हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ रेक्टेंगल पे। तो ट्रांसलेशन ऑफ रेक्टेंगल को करने के लिए हमारे पास जो ये मेथड है, इसमें अगर आप देखें तो हम एक पॉइंट पास कर रहे हैं जो कि इस रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसकी विड्थ और उसकी हाइट। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे नीचे बॉटम पे देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये वाला है, ठीक है। जी, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये वाला है और इस वाले पॉइंट से अगर आप देखें यहाँ तक तो ये इसकी विड्थ रिप्रेजेंट हो रही है, और इस तरीके से अगर आप ये देखें तो ये इसकी हाइट रिप्रेजेंट हो रही है। तो एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए आपको चार लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो चार लाइन के लिहाज से आपको चार पॉइंट चाहिए होंगे, तो आप उन चार पॉइंट को यूज़ करते हुए एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर एक रेक्टेंगल सिंपल फॉर्म में बनाना चाहें तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, पहला पॉइंट तो हमें गिवन है, दूसरा पॉइंट हम ऐसे गेट करेंगे कि हम उस वाले पहले वाले पॉइंट के अंदर एक्स कॉम्पोनेंट को ऐड कर लें, एक्स कॉम्पोनेंट में डब्ल्यू को या विड्थ को ऐड कर लेंगे और वाई वही रहेगा, तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम पहले पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ चुका है और हमने अब ये वाला पॉइंट गेट करना है, तो ये वाला पॉइंट गेट करने कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे इस वाले पॉइंट के अंदर आपके पास एक्स प्लस डब्ल्यू करने से आपका ये वाला पॉइंट का एक्स आ गया था। इसी तरीके से अगर आप वाई में एच को ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट जो है उसके वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा और आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो दो लाइन ड्रॉ होगी। इस तरीके से इस वाले पॉइंट में देखें तो यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे एक्स एज इट इज रहेगा, वाई में आप हाइट को ऐड कर लें तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस वाले पॉइंट को लेके इस वाले पॉइंट तक आप एक और लाइन ड्रॉ कर लें, तीन लाइन ड्रॉ होगी। फिर आप पहले पॉइंट से इस वाली लाइन पॉइंट तक आप जो है वो चौथी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें, तो आपके पास चार लाइन जो है वो ड्रॉ होंगी, तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस वक्त में हमारे पास जो एक पॉइंट विड्थ और हाइट से एक रेक्टेंगल बन रहा है, उसकी हमने स्कीम देख ली कि वो कैसे बन सकता है। अब हमने इसको ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करने के लिए हम करेंगे ये कि हम इसके अंदर ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स और ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोड्यूस करने का बहुत सिंपल सा वे है, वो ये है कि हम क्या करें, हमने जो जो पॉइंट प्लॉट करने हैं, इन पॉइंट को प्लॉट करने के लिए जो हम हर पॉइंट को ही क्या कर लें, ट्रांसलेट कर लें। तो हमने एक फंक्शन बना लिया था ट्रांसलेट पॉइंट का, इसमें हमने पहला वाला पॉइंट पास कर लिया, यानी कि ये वाला पॉइंट पास कर लिया। तो उसके बाद इसके साथ हमने ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स, ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई पास किया और रिजल्ट में हमारे पास जो पॉइंट आया वो इस वाले पॉइंट का ट्रांसलेटेड फॉर्मेशन आ गया, ट्रांसलेटेड रिजल्ट आ गया, जिसको हमने पी वन डैश में सेव कर लिया। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वाले पॉइंट को ट्रांसलेट करना है। अब इस वाले पॉइंट को ट्रांसलेट करने के लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने ये किया कि हमने ट्रांसलेट पॉइंट का फंक्शन ने कॉल किया। अब हम यहाँ पे न्यू पॉइंट का करके, यानी कि हम एक एनोनिमस पॉइंट पास करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने पी डॉट एक्स प्लस विड्थ, यानी कि इस वाले पॉइंट का एक्स कॉम्पोनेंट पास कर लिया, और पी डॉट वाई यानी कि इस वाले पॉइंट का वाई कॉम्पोनेंट पास कर लिया और ट्रांसलेशन फैक्टर पास किए। और ये मेथड हमें जो रिटर्न में एक पॉइंट रिटर्न करेगा वो एक ट्रांसलेटेड पॉइंट का रिजल्ट होगा या ट्रांसलेटेड पॉइंट होगा। इसी तरीके से अब तीसरे पॉइंट को भी हमने ट्रांसलेट करना है। तो तीसरे पॉइंट में हमारे पास हमने न्यू पॉइंट को एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई प्लस एच करके ट्रांसलेशन फैक्टर के साथ पास किया और रिजल्टेंट हमारे पास ट्रांसलेटेड पॉइंट आ गया। और इसी तरीके से हमारे पास जो चौथा पॉइंट है उसमें हमने एक्स और वाई प्लस हाइट जो है वो पास करके हमने साथ में ट्रांसलेशन फैक्टर पास किए और रिजल्टेंट हमारे पास जो मेथड जो है वो एक ट्रांसलेट पॉइंट रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहली लाइन क्या ड्रॉ होगी कि पहले वाले पॉइंट से लेकर दूसरे वाले पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ होनी है। तो पहले वाले पॉइंट का रिजल्ट आया था एक बार पी वन डैश में, तो आप पहले वाले पॉइंट की जो है वो कॉम्पोनेंट पास करेंगे पी वन डैश डॉट एक्स पी वन डैश डॉट वाई। फिर दूसरे पॉइंट के अपने करने हैं वो आपके पास होगा पी टू डैश डॉट एक्स पी टू डैश डॉट वाई, तो आप बस एक लाइन ड्रॉ होगी। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, तो दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे करेंगे पी टू डैश डॉट एक्स पी टू डैश डॉट वाई और पी थ्री डैश डॉट एक्स पी थ्री डैश डॉट वाई। तो इससे आपका दूसरी लाइन जो है वो ये वाली जो लाइन होगी वो ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे पी थ्री डैश डॉट एक्स पी थ्री डैश डॉट वाई पी फोर डैश डॉट एक्स पी फोर डैश डॉट वाई करेंगे तो आपके पास ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और इसके बाद आपके पास पी फोर डैश डॉट एक्स पी फोर डैश डॉट वाई पी वन डैश डॉट एक्स पी वन डैश डॉट वाई, तो इससे आपका ये वाली जो लाइन है वो
ड्रॉ हो जाएगी। तो इस वजह से अगर आप इस वाली फिगर में देखें तो इस फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल ए बी सी डी यहाँ पर मौजूद है तो इस वाले फंक्शन को कॉल करने से इसके हर पॉइंट जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा, और हर पॉइंट ट्रांसलेट होने के बाद जब इसे आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगा तो एक ट्रांसलेटेड फॉर्म में या एक ट्रांसलेट हुआ हुआ मूव हुआ हुआ रेक्टेंगल आपके पास ड्रॉ हो जाएगा जी। अब इसके बाद ट्राइंगल को देखते हैं। तो ट्राइंगल जो है वह आपके पास तीन पॉइंट से मिलकर बन रहा होता है, और इस मेथड में अगर आप देखें तो ट्राइंगल की ट्रांसलेशन के लिए हमने इस मेथड को जो है बनाया, इसमें हमने तीन पॉइंट पास किए P1, P2, P3 जो कि एक ट्राइंगल के तीन पॉइंट होंगे। इसके अलावा ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स, ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई पास किया। बहुत सिंपल सा काम आगे हमने किया कि हमने ट्रांसलेट पॉइंट का फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें हमने पी वन को पास किया तो उसमें हमारे पास पी वन का रिजल्टेंट पॉइंट ट्रांसलेटेड रिजल्टेंट पॉइंट आ गया। इसी तरीके से हमने ट्रांसलेट पॉइंट के मेथड में पी टू पास किया तो पी टू डैश जो कि इस वाले पॉइंट का ट्रांसलेटेड वर्जन है वो हमें मिल गया, और फिर हमारे पास पी थ्री पास किया तो इससे हमारे पास पी थ्री डैश जो कि ट्रांसलेटेड पॉइंट थ्री का होगा वो आ जाएगा, और फिर हमने तीनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर ली कि हमने पी वन और पी टू को मिला के लाइन ड्रॉ की, फिर पी टू और पी थ्री को मिला के लाइन ड्रॉ की, और पी थ्री और फिर पी वन से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो हमने एक पॉलीगॉन बनाना है। तो पॉलीगॉन आपके पास एक ऐसी शेप होगी जिसमें मल्टीपल साइड्स हो सकती हैं, तो उसके लिहाज से जो पॉइंट की जो आपकी लाइन की पॉलीगॉन के जो साइड्स होंगी वो डिपेंड करेंगी आपके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, जितने पॉइंट्स होंगे उतनी ही उसकी साइड्स भी हुआ करेंगी। तो हमने यहाँ पे इस मेथड में ट्रांसलेट पॉलीगॉन के इस मेथड में हमने पॉइंट की एक एरे ले ली, इसके अलावा ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स, ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट आ रहा है। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे ये किया कि हमने एक एरे लिस्ट बनाई है पॉइंट टाइप की, और इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखा है पी डैश, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि इस वाले जो पॉइंट की एरे है इसके जो ट्रांसलेटेड वर्जन होंगे वो हम पी डैश में प्लेस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक एरे लिस्ट बना ली। आप एरे लिस्ट के बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस वाले फ्लेवर के अंदर जो अभी आप इसका कोड देख रहे हैं इसके अंदर हमने एक एरे लिस्ट बना ली, और इसके बाद हम एक लूप लगाते हैं। लूप लगा के हमने क्या किया, लूप लगा के हमने ये किया कि हमने इस वाले जो एरे है इसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम पॉइंट्स को ट्रांसलेट करवाया। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप आई की वैल्यू जीरो है तो इस वाले एरे के इंडेक्स जीरो पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी उस वाले पॉइंट को हमने ट्रांसलेट पॉइंट के फंक्शन में पास किया, साथ में ट्रांसलेशन फैक्टर पास किया, तो रिजल्टेंट हमारे पास उस वाले पॉइंट का ट्रांसलेटेड वर्जन आ गया, और जिसको हमने पी डैश जो कि हमारे पास एरे लिस्ट है इसके अंदर हमने ऐड कर लिया। इस तरीके से जब आइट्रेशन हुई तो आपके पास आई की वैल्यू टू होगी, तो हमने सेकेंड वाले पॉइंट को ट्रांसलेट करवा के उसको हमने ऐड करवा लिया, फिर थर्ड और फोर्थ, यहाँ तक कि आपके पास इस वाले पॉइंट वाली एरे में पी में जितने भी आपके पास पॉइंट मौजूद होंगे सब के ऊपर जो है वो ट्रांसलेशन अप्लाई हो जाएगी, और ट्रांसलेटेड वर्जन जो आपके पास पी डैश में आ जाएगा। जब आपके पास ट्रांसलेशन वर्जन जो है वो पी डैश में आ गया, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ट्रांसलेटेड फॉर्म में जो आपके पास पॉइंट आए हैं उसकी मदद से हमने पॉलीगॉन ड्रॉ करवानी है। तो पॉलीगॉन ड्रॉ करवाने के लिए हम ये करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स वन से, ठीक है, और हम चलते रहेंगे कब तक, जब तक आपके पास जो है वो सारे के सारे पॉइंट जो है हमें मिल नहीं जाते। तो यहाँ पे जो है ये आई की वैल्यू लेस देन पी डैश डॉट साइज, और इसके बाद माइनस वन भी होगा कि हमने लास्ट इंडेक्स से पहले पहले तक जो है पहले आइट्रेशन को मूव कर रहे हैं। अब इसके बाद हम करेंगे ये कि हम जो है हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। लाइन हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारे पास अभी फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स जीरो है, तो हमने पहला वाला पॉइंट जो है वो जो जीरो इंडेक्स में जो पॉइंट पड़ा होगा ट्रांसलेटेड फॉर्म में, हम उसके एक्स की वैल्यू को और उसके वाई की वैल्यू को हमने पास कर लिया। इसके बाद हमने जीरो से जो नेक्स्ट वाला यानी कि वन इंडेक्स में जो पड़ा हुआ होगा हमने उस वाले के एक्स और उस वाले के वाई को पास कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास जब इसकी आइट्रेशन वन होगी तो हमने वन और टू पॉइंट को जो है वो पास करके लाइन ड्रॉ करवा ली, फिर हमने टू और थ्री को पास करके लाइन ड्रॉ कर ली, फिर हमने थ्री और फोर को करके ड्रॉ कर ली, यहाँ तक कि सारे के सारे पॉइंट से जो आपको लाइन ड्रॉ हो रही होगी वो ड्रॉ हो जाएगी। लास्ट में ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैं यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल से अगर देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है बी ई डी सी या बी सी डी ई ले लें,
तो बी सी डी ई में आपके पास चार पॉइंट्स हैं, तो पहले इंडेक्स में या जीरो इंडेक्स में आपके पास बी पड़ा होगा, फिर आपके पास जो सेकंड इंडेक्स के अंदर या इंडेक्स वन में आपके पास सी पड़ा होगा, इंडेक्स टू में डी पड़ा होगा और इंडेक्स थ्री में ई पड़ा होगा। अब आपका लूप जब स्टार्ट होता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम लूप में स्टार्ट होने में हमने ये किया कि हमारे पास इन पॉइंट का जो है वो ट्रांसलेटेड वर्जन यहाँ पर आ गया। अब हमने इसे लाइन ड्रॉ करनी है, तो इंडेक्स जीरो पे हमारे पास बी डैश पड़ा हुआ है और इंडेक्स वन के ऊपर हमारे पास सी डैश पड़ा हुआ है। तो जब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जीरो है, तो जीरो का मतलब ये होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम बी डैश के एक्स कॉम्पोनेंट को और वाई कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पे जो है वो यूज कर रहे हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है बी डैश से सी डैश तक। तो सी डैश कहाँ पे पड़ा होगा, वह इंडेक्स वन में पड़ा होगा। अगर ये जीरो पे है तो उसे एग्जैक्टली नेक्स्ट वाले इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स वन के ऊपर सी डैश पड़ा हुआ होगा। तो सी डैश को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी डैश को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि हमारे पास जो भी आई की जो भी वैल्यू है, उस आई की वैल्यू में हम प्लस वन करेंगे, तो हमारे पास आई की वैल्यू थी जीरो, उसमें प्लस वन होगा, तो आपके पास इंडेक्स वन पे आ जाएंगे और उसके एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पे गेट कर लेंगे। तो इस तरीके से सेकेंड पॉइंट में आपने क्या किया, सेकेंड पॉइंट में आपने उसके कंपोनेंट को उसके जो कंपोनेंट है एक्स और वाई, जो कि आपके पास सी यानी कि सेकेंड इंडेक्स वन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसके आपने कंपोनेंट को यहाँ पे पास कर दिया। इस तरीके से आपके पास एक लाइन ड्रा होगी। फिर आपके पास जो है जब आइट्रेशन हुई तो फिर सी से डी आपने लाइन ड्रॉ कर ली, फिर आपके पास आइट्रेशन हुई तो फिर डी से ई लाइन ड्रॉ कर ली, तो आपके पास बी सी डी और ई लाइन ड्रॉ हो गई है। अब आपकी बी और ई वाली लाइन ड्रॉ नहीं हुई क्योंकि यहाँ तक आपका लूप जो है वो कम्प्लीट हो चुका होगा। और लूप कम्प्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, देखें तो ये आपका आखिरी पॉइंट है और ये आपके पास सबसे पहला वाला पॉइंट है, तो इसको आपने सेपरेटली लाइन को ड्रॉ करवाया। तो इसमें देखें तो हम क्या करें, हमारे पास जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है हमने उसको, और इसके साथ जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको, उसके बेस पे हमने दो पॉइंट के बेस पे हमने लाइन को ड्रॉ करवा लिया। ट्रांसलेशन ऑफ सर्कल देखते हैं। सर्कल को ट्रांसलेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ईजी है। हम अगर ट्रांसलेशन करने के लिए कि हमने सर्कल को ट्रांसलेट करना है तो हम सिंपल ये करेंगे कि हम उसके सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आप इस वक्त अगर मेथड में देखें तो मेथड में हमारे पास ये है कि हम एक पॉइंट पास करें पी सेंटर, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो उसके अंदर आपके पास सेंटर का एक्स सी और वाई सी यानी कि पी सेंटर में ही मौजूद होगा, और रेडियस पास कर रहे हैं, इसके अलावा ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स और ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई पास कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये किया कि हमने ट्रांसलेट पॉइंट का फंक्शन कॉल किया और इसको पी सेंटर पास किया। पी सेंटर हम इसलिए पास कर रहे हैं कि अगर हम सेंटर भी चेंज कर दें सर्कल का, तो सर्कल का सेंटर चेंज होने से जो आपका सर्कल ड्रा होगा वो उस चेंज वाली या ट्रांसलेटेड सेंटर के ऊपर जाके जो है वो ड्रा होगा। तो हमने उसके सेंटर पॉइंट को यहाँ पे पास किया, रिजल्टेंट में हमारे पास जो पी डैश आ रहा है वो क्या होगा, एक ऐसा सेंटर ऑफ द सर्कल आ रहा होगा जिसके ऊपर हमने जो है वो सर्कल को ड्रा करना है। और सर्कल को ड्रा करने के लिए हमने सिंपल मिड पॉइंट का फंक्शन जो हमने पहले बनाया हुआ था हमने उसको कॉल करवा लिया, तो उसमें हमने एक्स सी यानी कि सेंटर पॉइंट का एक्स और वाई सी सेंटर पॉइंट का वाई हमने पास करना है। तो उसमें हमने ये किया कि हमारे पास जो पॉइंट का ऑब्जेक्ट आया था पी डैश, हमने उसका एक्स को पास कर दिया एक्स की जगह पे और उसका वाई पास कर दिया हमने वाई की जगह पे, रेडियस पास किया, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट पास किया, तो ये जो फंक्शन होगा ये हमें एक सर्कल जो है वो प्लॉट कर देगा। अगर आप इस फिगर से देखें तो फिगर में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पॉइंट जो है वो सेंटर यहाँ पर है ओरिजिनल, फिर आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने इसमें ट्रांसलेशन फैक्टर को ऐड करवा के जो उसका सेंटर पॉइंट है आपने उसको चेंज कर दिया। जब सेंटर पॉइंट को चेंज कर दिया तो फिर उसके बाद जो आपके पास सर्कल ड्रा होगा वो इस सेंटर के गिर ड्रा होगा, जब इसके गिर ड्रा होगा तो आपको एक ऐसा सर्कल ड्रा हो रहा होगा जो कि ट्रांसलेटेड सर्कल होगा।